हेलो फ्रेंड्स, मेरे ग्रिल आई वे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो कटिंग के ऊपर है, जो फरवरी मार्च में परमानेंट फूलों की कटिंग लगाई जाती है वो उसके ऊपर है। और अगर हम फरवरी में लगाते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से सर्वाइव होती है हमारी कटिंग, और वो 100% वो चल भी जाती है। और मैं आज वही प्लांट आपको जो है शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मेरा बिनका का प्लांट है, ये हाइब्रिड है। ये दो में आता, हाइब्रिड भी आता और ये लॉन्ग वाला भी आता, देसी भी आता। तो इनकी हम दोनों की कटिंग ले सकते हैं, छोटी सी कटिंग ले लेंगे जैसे इस तरह की, तो इतनी सी। ये बहुत होती है, नीचे की पत्तियां निकाल देंगे इसकी और इसको लगा देंगे। ये देखो मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई है, ढेर सारी इसकी। और ये अभी थोड़े दिन में ये फूल भी देने लगेंगे। और एक ये मोसरोज होता है, ये भी अभी जो है ये फ्लोरिंग पे आ जाएगा। देखो ये इसमें बड्स बननी शुरू हो गई हैं, तो इसकी भी हम छोटी सी भी अगर कटिंग लेंगे तो इसकी भी बड़ी इजीली तैयार हो जाती है। और इसमें भी ढेरों प्लांट हम बना सकते हैं। और हमें कटिंग लगाने के लिए सोयल हमें कोकोपीट ले लीजिए या सैंड ले लीजिए। मैं तो तीनों में लगा देती हूँ, सैंड में भी लगा देती हूँ और कोकोपीट में भी लगा देती हूँ, ये तीनों में ही चल जाती है। और एक ये कटिंग देखो, ये भी एक ये साल्विया है, साल्विया की कटिंग भी अगर लगा देते हैं तो ये परमानेंट प्लांट है, इसकी भी बड़ी इजीली तैयार हो जाती है। इसकी सॉफ्ट कटिंग ले लेते हैं छोटी सी, तो वो आराम से तैयार हो जाती है। ये बिगोनिया का प्लांट है, इसकी भी एक सॉफ्ट सी कटिंग हम ढूंढ सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, ये जैसे इस तरह का, इस पर फूल नहीं है नीचे वाली पे, इस वाली पे इसको हम ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से अब इसको तिरछी कट कर देते हैं, ये हमारी आ गई है। और अब इसको हम नीचे की ये जो पत्ती है इसको निकाल के इसलिए लगा सकते हैं, कोकोपीट में लगा दूंगी। और ऐसे चारों तरफ से इसको इस तरह से मिट्टी फिंगर से हल्के हल्के ये दबा देंगे तो ये इजीली चल जाएगी। ये मैंने बिगोनिया की ये देखो ये कटिंग लगाई थी अभी फरवरी मंथ में, स्टार्टिंग में ही ये लगाई थी, तो ये कितनी अच्छी चल गई है। ये देखिए ये कार्नेशन प्लांट है, ये भी परमानेंट है, तो इसकी भी हम इसकी सॉफ्ट कटिंग लेंगे। ये जो बड है ये वाली नहीं लेंगे, जो सॉफ्ट नीचे से है जैसे ये वाली, हम इसको हाथ से ही निकाल लेंगे। तो इस तरह कुछ मुलायम सी कटिंग हमारी ये निकल, ये देखो ये निकल गई है। और इसकी नीचे की पत्तियां हटाएंगे और ये हमने लगा दिए। और मेरे पास ये एक यूफोरबिया का है, मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी तो वो भी चल गई है। और मैं बताऊँ आपसे, ये हमें कैसे लेनी है, या तो ये यहाँ से ले लो छोटी सी, और या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं इतनी भी, ये दोनों ही चल जाएंगी। और मैं इसको यहाँ से ये मैं सैंड में लगाऊंगी, तो ये सैंड में ज़्यादा अच्छी चलती है, इसमें सैंड में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको चारों तरफ से ऐसे दबा देंगे और हम इसके फूल इसके निकाल देंगे। ये देखिए ये डेंथस की मैंने ये सॉफ्ट कटिंग ले ली है और नीचे की पत्ती भी निकाल दी है, और अब इसको हम लगा देंगे। ये भी मैं इसमें सैंड में ही लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फिंगर से दवा देनी है। एशिया का प्लांट है, मैं इसकी कटिंग भी लूँगी, इसकी कटिंग भी बहुत इजीली चल जाती है और बहुत सॉफ्ट कटिंग लेनी है हमें इसकी। बिल्कुल इतनी सी छोटी सी कटिंग भी अगर हम इसकी लेंगे तो ये बड़ा आराम से चलेगा, इतनी सी भी नीचे से पत्तियाँ निकाल देंगे और ये इजीली चल जाएगा। इसको मैं कोकोपीट में लगाऊंगी, ये देखो इतनी छोटी सी, क्योंकि मैंने अभी फरवरी में ही एक लगाई थी वो आराम से चल गई है। ये देखिए ये फ्यूसिया प्लांट की मैंने ये कटिंग लगाई थी, इसमें ये देखो आराम से चल गई, ये बहुत ही इजीली चल जाती है और बहुत सॉफ्ट, छोटी सी भी लेंगे हम तो ये भी हमारी चल जाती है। ये भी मैक्सिकम पिटोनिया है, ये भी परमानेंट होता है, और अगर इसकी हम कटिंग से इसको लगाते हैं तो इस पर जल्दी फ्लोवर आ जाता है। और हम इसकी इतनी सी छोटी सी ऊपर से ले लेते हैं ये इतनी, तो ये बड़े आराम से लग जाएगी और फूल भी इस पर जल्दी आ जाएगा। ये सैंड में भी इजीली चल जाता है, तो आपके पास अगर कोकोपीट है उसमें भी लगा सकते हैं, सैंड है उसमें भी लगा सकते हैं, और सोयल है उसमें भी लगा सकते हैं, तीनों में चल जाएगी। ये बेबी सनरोज है, इस पर भी पिंक कलर का बड़ा सुंदर फूल आता है, और मैं इसकी छोटी सी कटिंग भी इतनी सी भी लगा दूँ तो ये बड़े आराम से चल जाती है। ये देखो मैं सिर्फ इतनी कटिंग लूँगी, इसको मैं कोकोपीट में लगाऊंगी ये बेबी सनरोज को, और चारों तरफ से इसके ऐसे लगा देंगे। क्लेंचो की भी हम छोटी से छोटी भी लेंगे तो ये हमारी ये चल जाएगी। हमें जो है ये फूल वाली नहीं लेनी है, बड वाली, तो हमें ये जैसे बिना बड वाली है ये वाली हम ले सकते हैं। तो ये मैं हाथ से कट कर लेती हूँ, ये देखो ये छोटी सी ये हमारी लग जाएगी, और नीचे की ये पत्तियाँ सारी निकाल दें और तीन चार ऊपर की रखें।
और आप इसको सैंड में भी लगा सकते हैं और इसमें कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है सोयल उसी में लगा सकते हैं। ये आइस प्लांट है, इसकी भी हम लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट होता है, तो इसकी भी कोई सॉफ्ट कटिंग ले सकते हैं इसके। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने लगा भी रखी है, देखो ये इसी महीने लगाई थी, ये देखो, और ये सीधी खड़ी हो गई और ये इसमें फूल भी आने लगा, तो इसकी भी हम लगा सकते हैं। देखिए मैं इसमें से ले लेती हूँ छोटी सी कटिंग, तो आपको दिखाने के लिए मैंने तो लगा रखी है, ये इसमें से पत्तियाँ निकाल देंगे ऊपर की, और इसमें नोड एरिया, अच्छा हम जो भी कटिंग लगाते उसमें एक या दो नोड जरूर होनी चाहिए, तो उसमें जो है उसी से हमारा जो है ये प्लांट तैयार होता है और रूट्स आती है। ये देखिए ये आइस प्लांट की भी मैंने इसमें लगा दिया, और ये जेरेनियम का प्लांट भी, ये परमानेंट होता है, तो इसकी कटिंग भी आराम से लग जाएगी आजकल। तो हम इसकी जो इसमें आजकल सभी में बड आ रहे हैं, लेकिन हम अगर बड वाली लेंगे तो बड को उसको निकाल देंगे, और ये इस तरह से जैसे कटिंग लेंगे हम इसकी, ये देखो ये वाली, इस तरह से यहाँ से कट करेंगे तो, और इसको हम निकाल देंगे। और हालांकि मैंने कई सारी कटिंग लगा रखी है इसकी, ये देखो जेरेनियम की, ये भी परमानेंट प्लांट होता है। तो अगर हम इनकी ये बड वाली लेते हैं, ये जेरेनियम की, यहाँ से कट कर लेंगे ये, तो इसके ये दो पत्ती, ये वाली और ये वाली, और ये इसका ये निकाल देंगे ऊपर का अभी, और ये नोड एरिया जो है नीचे वाला, ये मैं इसमें इसकी जगह बनाऊंगी, ये उंगली से बना देती हूँ, तो ये इस तरह, और चारों तरफ से हम इसे मिट्टी से ढक देंगे। और ये इम्पेशियंस प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट होता है, और ये ये 12 महीने फूल देता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसकी भी हम लगा सकते हैं। और मैंने इसकी कई सारी कटिंग लगा दी, क्योंकि मेरे पास जो पहले प्लांट थे इसके, तो वो हाईब्रिड वाले, तो वो तो ख़त्म हो गए, तो और मैंने उनकी कई सारी कटिंग ये लगा ली है, उनको बचा लिया है। एक ये है और एक ये है, ये वाइट वाले की, तो हम इसमें से लेंगे अभी, इन पे जो फूल है इनका हम फूल हटा देंगे अगर लगाएंगे, या छोटी सी हम इसकी कटिंग लेंगे इतनी सी, तो ये भी हमारी चल जाएगी। हम इसका क्या है, इसका फूल निकाल देंगे और इसको लगा देंगे, ये देखिए। और एक प्लांट मेरे पास ये है, ये वरुण फालसिया है, ये बहुत सुंदर फूल है, इस पर पर्पल कलर का, और कई दिन चलता। अब इसमें देखो फिर से, ये 12 महीने का प्लांट है और इसमें सारे में देखो बड्स बनी हुई है, तो इसको भी अगर हम लगाते हैं तो ये भी जो है कटिंग से तैयार इजीली हो जाता है। ये इतनी सी मैं कटिंग लूँगी, ये देखिए इतनी सी छोटी सी, और इसकी जो बड है ये निकाल दूँगी, पत्ती और बड, और इसको मैं लगा दूँगी। अच्छा हम फूल क्यों निकालते हैं इनके कटिंग के, क्योंकि ये एनर्जी बहुत लेती है, अगर हम फूल और ये पत्ती ज़्यादा लेंगे लगाने में कटिंग में, तो ये क्या है, ये एनर्जी ज़्यादा लेती है, तो हमारी जो एनर्जी उनको जो रूट्स बनाने के लिए चाहिए, तो वो जो है जल्दी नहीं बना पाते, इसलिए हमें ये निकालनी पड़ती है फूल और पत्तियाँ, और ऊपर की दो या तीन ही रखो। और ये बेगम बहार का भी, ये 12 महीने का प्लांट होता है और इस पर 12 महीने फूल आते हैं, और अभी देखो इस पर झड़ गए और बट काफ़ी सारी बनी हुई, और इसको भी हमने जो बिना बट्स वाली है ये वाली जैसे, तो इसको मैं लूँगी और इसको भी मैं लगा दूंगी। ये देखिए इतनी सी कटिंग इसकी छोटी सी, ये बहुत है, बस इसकी पत्तियाँ निकाल ली है नीचे की और हमने लगा देना है, ये इसको मैं, ये मैंने सैंड में लगा दिया है। एक ये पर्पल हार्ट होता है, ये भी 12 महीने का होता है, इस पर फूल छोटे छोटे बहुत सुंदर पर्पल कलर का, पिंक कलर का आता है, बहुत ही प्यारा होता है, ये पत्तियाँ भी इसकी सुंदर होती है और इसका फूल भी बहुत सुंदर आता है, इसे भी हम छोटा सा भी अगर लगा लें तो इसका भी प्लांट कटिंग से बड़ा इजीली तैयार हो जाता है। ये देखिए मैं इसको, इसकी दो पत्ती नीचे से निकाल के और मैं इसको लगा दूँगी, ये भी मैंने लगा दिया है। और हमें इसकी जो हमने ये सोयल ली है, ये कोकोपीट या ये गार्डन सोयल या ये सैंडी सोयल, तो इसमें हमने कोई भी इसमें कंपोज नहीं डाला, बिना कंपोज के ही हमने सब ये लगाना है। और एक ही अपराजिता का प्लांट होता है, तो इस पर भी बहुत सुंदर फूल आता है, खुशबू आती है इसमें, तो इसको भी हम छोटी सी कटिंग लेंगे, तो ये हमारा नीम की कटिंग लगा रखी है, इसमें ही ये होल बना के मैं इसको अपराजिता को इसमें लगा दूँगी। ये देखिए इसकी चारों तरफ से मिट्टी है, परमानेंट प्लांट,
ये चांदनी का है, ये डबल चांदनी का, ये सिंगल में भी आता है, आप डबल या सिंगल जो भी आपके पास है उसको ले सकते हैं। बस इतनी सी कटिंग इसकी काफ़ी होगी, ये इतनी कटिंग हमें ये काफ़ी होगी, ये इतनी सी ये मैंने कटिंग यहाँ से इसकी ले ली है, ये डबल चांदनी की, ये भी मैं लगा दूँगी। और एक ये होता है ये नाग चंपा का, ये भी हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं, इतनी कटिंग हम ले सकते हैं इसकी, तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। और एक ये स्पाइडर बर्ड होता है, इस पर भी एक पिंक और पर्पल कलर का बड़ा प्यारा सा फूल आता है, इसकी हम मैं जरा सी इतनी छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, और ये देखो बन के तैयार हुई है, बहुत सुंदर प्लांट है ये। और ये देखो इतना सा लगाएंगे, ये भी देखो ये सारा मेरा कटिंग से भर गया है और ये भी भर गया है, तो इसमें स्पाइडर बर्ड की भी लगा दी है और ये चंपा की भी लगा दी है। और गुलाब का भी परमानेंट प्लांट होता है तो उसकी भी हम ले सकते हैं, तो इस तरह की कटिंग हम ले सकते हैं, इतनी मोटी पेंसिल की बराबर इसको भी ले सकते हैं, ये ऊपर से हम निकाल देंगे इसको और बीच बीच के दो तीन इसकी बना देंगे, या इसकी भी ले सकते हैं, ये भी फरवरी मार्च में इजीली चल जाते हैं। और मैंने देखो इसकी पहले कटिंग ली थी, इसकी ये दिखाया था ये वीडियो एक कटिंग के ऊपर ये गुलाब का, तो ये देखो इसका रिजल्ट इस तरह आया, ये 15 दिन भी नहीं हुए इसको और कितना सुंदर रिजल्ट आया, देखो इसको ये नई नई सूट्स इसमें निकलनी शुरू हो गई हैं, ये भी इजीली तैयार हो जाते हैं आजकल ये फरवरी मंथ में। और ये देखिए ये एक्जोरा प्लांट है, ये हाइब्रिड है और ये दोनों में आता है, हाइब्रिड भी और लॉन्ग में भी आता है, तो इसकी भी कटिंग जो है हम लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट होता है, इतनी सी कटिंग लेंगे और इसकी इजीली तैयार हमारी हो जाएगी, मैंने पहले भी लगा रखी है इसकी कटिंग। बस देखिए हम इतनी सी कटिंग लेंगे इसकी और इसको लगा देंगे। ये भी इजीली चल जाता है फरवरी मार्च में, ये देखो बस चारों तरफ से इसको प्रेस कर देंगे और नोड एरिया मिट्टी में दबा देंगे। ये भी मैंने एक्जोरो का भी मैंने ये लगा दिया है। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस है तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट होता है, तो इस तरह की छोटी सी कटिंग ले ये वाली तो ये भी चल जाएगी, या नीचे से जैसी ये है ये भी चल जाती है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। ये हिबिस्कस की कटिंग है तो इसको दो पत्ते में कट कर दूंगी, ये मैंने ये नीचे के पत्ते ऊपर के ये पत्ते मैंने दो कट कर दिए और मैं इसको लगा दूंगी यहाँ पे इस तरह से। और ये सारे हम जितनी भी कटिंग्स हैं ये हम सारी छायादार जगह में रखेंगे जब तक ये हमारी कटिंग तैयार नहीं हो जाती। मेरे पास ये कनेर का है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी 12 महीने का होता है, इसकी कटिंग में ये इतनी लूंगी यहाँ से, ये मैंने ऊपर से ही टॉप से ही ले ली है ये देखो। और हम जितने भी कटिंग काटेंगे वो तिरछी काटेंगे, ये मैंने कनेर की भी ले ली है, मैं इसमें लगा रही हूँ, ये एक नोड एरिया जो है नीचे का तो वो मैंने मिट्टी में नीचे लगा दिया है, ये देखो ये भी इजीली तैयार हो जाता है, परमानेंट प्लांट होता है, बहुत सुंदर फूल आता है इस पर। एक ये भी परमानेंट प्लांट है गार्डनिया का, इसको भी हम कटिंग से इजीली तैयार कर सकते हैं, इसको हम ये इतना यहाँ से इसको ले सकते हैं, तो ये भी इजीली तैयार हो जाता है, बहुत सुंदर फूल है, खुशबू वाला इसको। एक मेरा ये मधुकामनी का है, इस प्लांट को भी हम इजीली लगा सकते हैं, इस पर भी खूबसूरत खुशबू वाला फ्लोवर आता है, तो इसको भी नीचे से इसकी कटिंग ले सकते हैं। एक मेरा ये मधुकामनी का है, इस प्लांट को भी हम इजीली लगा सकते हैं, इस पर भी खूबसूरत खुशबू वाला फ्लोवर आता है, तो इसको भी नीचे से इसकी कटिंग ले सकते हैं। और एक ये मोगरा प्लांट है, तो ये भी 12 महीने का प्लांट है, ये भी खूब इस पर भी खूब सुंदर फूल आता है, इसको भी हम ले सकते हैं, इतनी सी कटिंग यहाँ से इसकी, आजकल क्या होता है ये बसंत ऋतु में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इतनी सी हम इसकी कटिंग ले सकते हैं। एक मेरे पास ये भी प्लांट है, ये भी 12 महीने का, छोटे छोटे बहुत सुंदर प्यारे प्यारे फूल आते हैं, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है पहले और उनको दिखाया है, तो बहुत सुंदर आते हैं इस पर छोटे छोटे, तो ये भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, ये कम ही मिलता है, मुश्किल से बहुत मुश्किल से मिलता है,
तो मुझे तो ये मिल गया था, तो मैंने ये हो गया मुझे बरसात में लगाया था, और इस पर 12 महीने का फूल आता है, अभी फिर बन रहा है इस पर। देखो इतनी सी छोटी सी भी लगा लो, ये भी चल जाएगी इसकी। इसको ड्रैगन ब्रीथ बोलते हैं। तो इसको मैं इसमें छोटी सी जगह चाहिए इसको, बस इसमें मैं इसको लगा दूँगी। ये देखिए, और मेरे पास काफ़ी सारे फूल हैं, जितने भी मैंने ये लगाए हैं सब मेरे ही गार्डन के फ्लावर हैं ये। तो आपके पास भी हैं तो आप लगा सकते हैं। और फ्री में ही देखो कितने सारे, ढेर सारे प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे। और अभी और भी हैं मेरे पास। और ये ब्लीडिंग हार्ट का है ये मेरा, तो इसको भी हम लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है। तो इसको भी इतना सा ऊपर से कटिंग ले सकते हैं इसकी। ये ब्लीडिंग हार्ट की भी ये मैंने कटिंग में इसमें लगा देती हूँ, ये बीच में ऐसे, ये भी लग गई, ये भी चल जाएगी। वैसे तो वीडियो में आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब मेरे थोड़ा कम है। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार हैं मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आई वेलकम भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, हम और गेंदे को भी कटिंग से लगा दे सकते हैं जी, मेरी गोल्ड को। ये मैंने देखो कटिंग से ही लगाया है, कितना सुंदर चल गया है। और जितनी भी हमने ये कटिंग्स लगाई है, ये अभी हमने जितनी भी कटिंग्स लगाई है, इसको हम छायादार जगह में रखेंगे और ब्राइट लाइट में रखेंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। अगर आपके पास सेरेलिया का प्लांट है, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी 12 महीने का होता है। बस ये है कि ये गर्मियों में फूल वहीं देता है जहाँ वो लोग लगा सकते हैं इसकी कटिंग, जहाँ पे ठंड रहती है, ये 12 महीने का होता है वहाँ पे। तो इसकी छोटी सी इतनी सी कटिंग लीजिए, ज़रा सी इतनी सी, और ये तो बड है, इसमें बिना बड की लीजिए इतनी सी और लगा दीजिए, बड़ी जल्दी आराम से ये सर्वाइव कर देती है इसमें। ये देखिए, मैं इस पर छोटी सी यहाँ से नीचे से लूँगी, क्योंकि ऊपर तो सारे में बड है, ये इतनी सी लूँगी तो ये भी बड़े आराम से चल जाएगी। इसे कैंची से काट देती हूँ, और ये देखिए, और नीचे की पत्तियाँ निकाल देना इसकी, नीचे की पत्तियाँ जितनी भी हैं ये निकाल देना, और ये बस इतनी सी टॉप में रखना। ये मैं इसी प्लांट में लगा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने अब छायादार में जगह में रख दिया है, तो ये इसी में ही आराम से चल जाएगी। और ये बोगनवेलिया है, ये इस पर भी रेड कलर का फूल 12 महीने आता है, ये भी, ये मेरा जो है ये हाइब्रिड है। और इसका भी छोटा सा हम यहाँ से लेंगे ये कटिंग, यहाँ से, तो ये भी बड़े आराम से चलेगी। मैंने ये चला रखी है, तो आप भी इसे लगा सकते हैं। और एलमंडा का भी ये 12 महीने का होता है, और अब इस पर समर पे खूब फूल आता है। तो ये मेरा येलो कलर का भी है और वाइट कलर का भी है, मैं दोनों की कटिंग लगाऊंगी, और बस ये इतनी सी लूँगी, इतनी सी कटिंग ये, तो ये बड़े आराम से चल जाएगी। ये देखिए, मैं इसमें ये लगा दूँगी तो इसमें चल जाएगी। अच्छा, ये भी परमानेंट प्लांट है, ये गंधर्वराज, सुगंधराज, इसके कई सारे नाम हैं, इसे जाना जाता है। और इसको भी आप कटिंग से लगाने वाली हूँ, ये नीचे से लूँगी मैं छोटी सी, तो ये बस ये चल जाएगी आराम से इतनी सी बस। ये भी मैंने इसमें लगा दी है, ये देखिए। और मैंने जो परमानेंट प्लांट होते हैं फ्लावर के, तो मैंने इतने सारे कटिंग आपको बता दिए, ये देखो ढेर सारी, और ये हमारी फ्री में ही लग के तैयार हो जाती है।